डिपार्टमेंट। सर मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, जो कि मेन टेक्निकल इश्यूज में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस हो चुका है। पहली बात ये कि लास्ट ईयर इन्होंने जब खुद कहा है कि हम एक टेस्ट सिस्टम लेते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, आप ठीक है, मैम अप्रिशिएट करते हैं एक टेस्ट लेते हैं। आप आए किधर से? मैं बेसिकली के बीके से हूँ, खबर बताओ खास। मैं टेक्निकल इश्यूज की बात करता हूँ जी। उन्होंने कहा कि एक सिस्टम लेते हैं, मैम ठीक है, वेल एंड गुड, आपने एक सिस्टम एक सिलेबस हमें दिया कि ये सिलेबस आप इसको फॉलो करो, हमने वो सिलेबस फॉलो किया, उसके बावजूद आपने सिलेबस के आउट आपने लास्ट ईयर हमें एक्सक्यूज दिए, मैं खुद लास्ट ईयर टेस्ट दिया पे रहा हूँ, और चल ठीक है, उसने इतने तो इश्यूज टेस्ट हो गया। अब इन्होंने इस साल क्या किया, इस साल किया कि ऑनलाइन टेस्ट हम, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हम, ठीक है, हम ये भी कहते हैं कि आपने ऑनलाइन टेस्ट किया है, और ऑनलाइन टेस्ट अब क्या करते हैं, एक तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, हमारी जो साथी मुल्क है डेवलप्ड कंट्री मेडिकल में इंडिया के, वहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है 18 लाख स्टूडेंट का एक ही दिन पे होता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब माशाल्लाह समझदार है, हम सब एजुकेटेड है, अब सब ये जो स्टाफ यहाँ पे खड़ा है ये अनएजुकेटेड है, इनको इस बात की समझ। बिल्कुल नया रखा गया है, जो पहला PMDC का स्टाफ था वो सब फारिग कर दिया।